10 kg वेट लॉस हो जाए, 20 kg वेट लॉस हो जाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसा डाइट प्लान बता देती हूँ जो कि सब आसानी से अपने घर में फॉलो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आप जो है मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं कि जिससे हमारा क्विक वेट लॉस हो जाए, 10 kg वेट लॉस हो जाए, 20 kg वेट लॉस हो जाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसा डाइट प्लान बता देती हूँ जो कि सब आसानी से अपने घर में फॉलो कर सकें। मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि हमारे पास हर जो आप डाइट बताते हैं उनमें से किसी के पास ओट्स अवेलेबल नहीं होते, कि कुछ लोग जो है वो सैलड्स जो है वो डिफरेंट किस्म की नहीं अफोर्ड कर सकते या उनके घर में वो ग्रॉसरी आइटम्स नहीं आते। तो मैंने आज ये ऐसा प्लान किया है कि आप लोग आराम से बिल्कुल सिंपल घर के खाने का, कि हर कोई आसानी से उसको फॉलो कर सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, और आसानी से जो है वो आपके घर के ही जो खाने हैं उन्हीं को आप जो है वो एज ए डाइट बना के आप जो है वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में ये है कि आपने जो है वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में देखें एग्स आ जाते हैं। एग्स ये है कि आप बॉयल्ड एग्स भी ले सकते हैं, आप एग्स का ऑमलेट भी बना के ले सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप जो है वो जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ओट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप परेशान ना हो, नो प्रॉब्लम, आप जौ का दलिया भी जो है वो ब्रेकफास्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं एग्स की बात करूँ तो कभी आपने जो है वो एक मीडियम साइज़ की मल्टीग्रेन रोटी उसके साथ आप ले सकते हैं, और कभी ऑमलेट बनाकर जो है वो दो एग्स का ऑमलेट आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो कम एज के लोग हैं, जो छोटी एज के लोग हैं, वो बटर में जो है वो एग्स फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ी एज के लोग हैं वो कोशिश करें कि एक एग योक वो यूज़ कर लें और एक एग योक जो है वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी अगर किसी को हो तो भी वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एक होल एग ले सकते हैं। तो इसमें आपने कभी ऑमलेट का ऑप्शन ले लिया, कभी आपने 2 बॉयल्ड एग्स ले लिए, ओके। और अगर आप दलिए की बात करते हैं, जो जौ का दलिया है उसको भी आप दूध में पकाइए, और दूध में जो मलाई से निकला हुआ जो दूध होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे, और उसमें खजूर ज़रूर काइंडली आप डालिएगा, इसलिए कि एक खजूर आपने पूरे दिन में जो है वो ज़रूर लेनी है, मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में ही लीजिए, ताकि उससे आपके एनर्जी लेवल्स जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे, आपको वीकनेस नहीं होगी। और आपने इसमें लो फैट मिल्क डाला, जो मलाई से निकला हुआ दूध होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जौ का दलिया बनाया आपने, उसके अंदर मिल्क ऐड किया, आप उसमें खजूर डाल लें, आप 3-4 बादाम, 2-3 अखरोट उसके अंदर डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर उसके ऊपर डाल सकते हैं, और जो लोग पीनट बटर अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो परेशान ना हो, वो सिर्फ ये नट्स भी डाल के खा सकते हैं तो उनकी नट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और जिनको पीनट्स एलर्जी है तो वो काइंडली इस्तेमाल ना करें। तो आप अल्टरनेट डेज पे जैसा आपका मूड हो वैसे आप इस नाश्ते को अवेल कर सकते हैं, और इसके जो है वो 15-20 मिनट के बाद आप जो है वो चाय का एक कप ले सकते हैं। चाय भी आपने ऐसे बनानी है कि लो फैट मिल्क की बनानी है, दूध पत्ती आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके बाद आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने जो है वो एक फ्रूट लेना है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो जो भी आपके घर में फ्रूट आता हो, कोई आपको एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रॉसरी आइटम्स एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है,
कभी आप एप्पल ले सकते हैं, कभी आप ऑरेंज ले सकते हैं जो किन्नू होता है, और या आप अमरूद ले लें जो आपके घर में अवेलेबल है आसानी से, वो आप ले सकते हैं। उसके साथ जो है वो आप आधे घंटे के बाद आप जो है वो ग्रीन टी का एक कप ले सकते हैं। और अगर ग्रीन टी भी किसी के घर में अवेलेबल नहीं है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप पुदीने और सौंफ का कहवा बनाकर भी इसके साथ ले सकते हैं। इससे आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट भी होगा और उसका एरोमा भी बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आपने नट्स का ऑप्शन उसमें नहीं लिया ब्रेकफास्ट में, अगर आपने नहीं लिया तो आप इसके साथ भी थोड़े से नट्स ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है लंच। लंच में भी यही है कि मैं कोई एक्स्ट्रा सैलेड की बात नहीं कर रही कि आप डिफरेंट किस्म की जो है वो एवोकाडो या दूसरी सब्जियां जो है वो आप लेके आए हैं सैलेड्स के लिए, कैप्सिकम ना लाएं, आप नहीं ला सकते, ना लाएं। जो कचूमर सैलेड होता है, कचूमर सैलेड में प्याज, क्यूकम्बर, कैरेट्स और टोमेटोज आ जाते हैं। ये आई थिंक ये हर घर में मौजूद होता है। ये आप कचूमर सैलेड का एक बड़ा बोल ले सकते हैं। आपके घर में बना हुआ है, चिकन का सालन है या चने का सालन है या दाल बनी हुई है या लौकी चने की दाल का आप ऑप्शन ले सकते हैं, कीमा बना हुआ है, जो कुछ भी आपने बना हुआ है, आपने पोर्शन कंट्रोल करके एक जो सर्विंग बोल होता है जिसमें हम डिज़र्ट्स खाते हैं, जिसमें हम मीठा लेते हैं, वो एक बोल आप ले सकते हैं। कचूमर सैलेड आप ले लें। अगर आपने रोटी का ऑप्शन लेना है तो आपने लाल आटे की रोटी जो है वो मीडियम साइज़ की आप ले लें इसमें, और 2-3 टेबलस्पून आपने लो फैट योगर्ट जो उसका रायता आप बना के खा लें, आप उसके अंदर पुदीना और ज़ीरा ऐड कर लें ताकि वो जो है डाइजेस्ट भी जो है वो इससे खाना अच्छी तरीके से होता है। और अगर आपने राइस का ऑप्शन लेना है इन्हीं सारे ऑप्शंस के साथ, तो किसी दिन आप 1 कप बॉयल्ड राइस ले सकते हैं जिनका पानी निकला हुआ हो, ठीक है, और जो ऑयल में ना बने हुए हो, जिनमें तड़का ना लगा हो, तो कभी आप ये ले सकते हैं, कभी आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में भी यही है कि आपने टी लेनी है या कॉफ़ी लेनी है तो उसमें भी आप ये है कि आप जो है वो मलाई से निकला हुआ दूध आपने इस्तेमाल करना है उसमें। अगर आपको चीनी का ऑप्शन, आपने इसके अंदर चीनी, शक्कर, जैगरी कुछ चाय में इस्तेमाल नहीं करना, आप स्वीटनर ले सकते हैं या फिर अगर आपको आदत है तो आप फीकी चाय भी पी सकते हैं। ये और इन चाय के साथ ये जो ऑप्शंस हैं चाय के साथ, अगर इसमें अगर आपको चाय पीने की आदत नहीं है तो आप कहवा भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी नहीं है अवेलेबल तो परेशान ना हो, कहवा ले लीजिए, सौंफ का कहवा ले लीजिए, सौंफ और पुदीने का कहवा ले लीजिए, दार चीनी का जो है कहवा वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट होता है, वो भी आप ले सकते हैं। और एक बोल जो है वो जो काले चने होते हैं जिनका काला छिलका होता है चनों का, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ 1 कप जो है वो पॉपकॉर्न ले सकते हैं, या फिर आप नट्स का ऑप्शन ले सकते हैं। अच्छा जी, डिनर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वेट लॉस में, तो डिनर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था जो मैं डिनर में मैं लेती हूँ, मैं पावर बोल्स यूज़ करती हूँ डिनर में, मैं राइस और रोटी नहीं लेती हूँ। राइस और रोटी का ऑप्शन अगर मुझे लेना होता है तो मैं डे टाइम पे ले लेती हूँ, मैं डिनर्स में राइस और रोटी नहीं लेती हूँ। तो ये कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ।
ये डिफरेंट किस्म की अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डला हुआ है बोल में, और इसको मैंने ऑलिव ऑयल में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में मैरिनेटेड चिकन को जो है वो सॉटे कर लिया था, और उसमें जो है वो ये मैंने इसके अंदर सारी कैप्सिकम डाली हुई हैं, कैप्सिकम येलो वाली भी है, ग्रीन भी, ऑरेंज, रेड, अनियन रिंग्स हैं इसमें, ऑलिव्स हैं, और क्या है इसमें, और आई थिंक इसमें कॉर्न्स भी हैं जो नीचे अंदर नज़र नहीं आ रहे अभी। अच्छा, तो ये आप जो है वो ये पावर बोल जो है वो मैं इस एक ऑप्शन में आपको ये वाला बता रही हूँ कि कभी मैं ऐसे ले लेती हूँ, और दूसरा ये कि दूसरा ये ऑप्शन है कि इसके अंदर ये बीफ के कबाब है, बीफ के कबाब के साथ बीफ के मीडियम साइज़ के 2 से 3 कबाब आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ मैंने क्यूकम्बर्स डाले हुए हैं, कॉर्न्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, और इसमें कैप्सिकम भी है, और ये जो आपको रेड सॉस नज़र आ रही है ये हॉट सॉस है, ये हॉट सॉस 1 टीस्पून हॉट सॉस मैंने जस्ट फॉर द टेस्ट इसमें ऐड कर लिया था। आप 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है, देखें ज़्यादातर मैं यही लेती हूँ, ये चिकन के मीडियम साइज़ के 3 सीख कबाब हैं, और इसके अंदर ये क्यूकम्बर्स है, कैरेट है, ऑलिव्स हैं बहुत सारे, कॉर्न्स हैं, और ये और क्यूकम्बर्स हैं, कैप्सिकम भी। एक ऑप्शन ये है, और फोर्थ वन कौन सा है, हाँ जी फोर्थ वन ये वाला भी बहुत डिफरेंस है कि ये चिकन के कबाब हैं, और इसके अंदर मैंने लो फैट योगर्ट भी डाला हुआ है, लो फैट जो ग्रीक योगर्ट मैंने इसमें यूज़ किया था, और इस ग्रीक योगर्ट में मैंने ज़ीरा और मिंट भी ऐड कर दिया था, और इसमें मैंने ये राजमा जो रेड किडनी बीन्स होते हैं ये ऐड किया हुआ है इसमें, इसमें भी ऑलिव्स हैं, क्यूकम्बर्स हैं, कॉर्न्स हैं, तो इस तरह के पावर बोल्स हैं जो मैं अपने डिनर में यूज़ करती हूँ, और इससे आपका बहुत जल्दी क्विक वेट लॉस होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने जो है वो डे टाइम्स में पूरी कर ली, ब्रेकफास्ट में भी हो गया और लंच में भी हो गया, रात में कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मेरे चैनल पे जो सूप की रेसिपी है वो आप जो है वो इसके साथ ले सकते हैं, थोड़ा सा ओट्स डाल के, और इसके साथ जो है वो आपको रॉ वेजिटेबल्स सैलड इफ़ यू वांट टू हैव इट, अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सारी आपकी वेजिटेबल्स आ गई हैं। और उन लोगों के लिए जो जिनके पास दूसरी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हैं, वो परेशान ना हो, वो क्यूकम्बर्स और कैबेज थोड़ी सी और सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साथ, और एक सूप का बोल ले सकते हैं। तो ये पूरा एक प्लान है, और इसको अगर जैसे मैंने आपको बताया अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, अच्छा इसके साथ आपने 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, बल्कि 3 चीज़ों का, आपने अपनी नींद प्रॉपर करनी है, और आपने जो है पानी का जो है वो इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में जाकर उसकी वो ब्रेक डाउन होता है, उसकी टूट फूट होती है, तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट होना होता है बॉडी से। तो फ्लश आउट कैसे होंगे, जब आप पानी पियेंगे, जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना आपकी बॉडी जो है वो अंदर से क्लीन होती जाएगी। मैं आपको इसलिए ये सारा कुछ ऐसे समझा रही हूँ ताकि सबको अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए कि पानी पीना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड और वेरी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने 40 to 60 मिनट्स की एक्सरसाइज मस्ट करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके वेट लॉस के लिए भी और आपके हेल्थ के लिए। और उससे आपको पता है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मेरे चैनल पे जो है वो एक्सरसाइज की और ब्रिस्क वॉक की जो है वो सारे बेनिफिट्स मैंने उसमें बताए हैं, आप जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपको कंसिस्टेंट होकर अगर आप ये करेंगे तो आपका क्विक 10 kg वेट लॉस ज़रूर होगा। जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल आपको करने हैं इस हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी। बेस्ट ऑफ लक,
मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।